87.58 मीटर्स का इनका वो लाजवाब थ्रो भारत को गोल्ड मेडल दिलाता हुआ, क्या लाजवाब एफर्ट इनके द्वारा, खुशी जाहिर करते हुए आदिल सुमेरीवाला भी, आदिल सुमेरीवाला के अलावा खुशी पूरा भारत। ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को मिला गोल्ड, नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक, नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की है। वही ओलंपिक खेलों में ये भारत का 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा से पूरे देश को आज गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और वो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इस ओलंपिक खेलों में ये भारत का 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा से पूरे देश को आज गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और वो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आइए देखते हैं कितनी मेहनत की है अपने देश के लिए नीरज चोपड़ा ने। मेहनत का फल मीठा होता है, वही फल नीरज ने हम भारतीयों को गोल्ड के रूप में दिया है।